हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हो आप सब? मैं आपका दोस्त शांतनु कानस्कर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं वीकली करंट अफेयर्स के इस नए सेशन में, जहां आज हम 27 जुलाई से लेके 1 अगस्त तक के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स एमसीक्यू और वन लाइनर के फॉर्मेट में देखेंगे। उसी के साथ हर सवाल से रिलेटेड हम कुछ इंपॉर्टेंट स्टैटिक पॉइंट भी कवर करेंगे जो आपके आने वाले किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के रूप में इम्पॉर्टेंट है। तो पूरा वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे मिस ना हो जाए। और अगर आपने इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ नहीं शेयर किया है तो इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ भी शेयर करें, क्योंकि इस वीडियो में हम स्टेट अफेयर्स और नेशनल अफेयर्स जैसे कई इंपॉर्टेंट पॉइंट भी कवर करते हैं जो हर किसी के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो पूरा वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा ताकि कोई भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपसे मिस ना हो जाए। चलिए हम मूव करते हैं हमारे पहले सवाल पे। Who among the following has been appointed as a Prime Minister of Tunisia? निम्नलिखित में से किसे ट्यूनीसिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया है? इसका सही उत्तर है मिस्टर हिशेम मेशिनी। मिस्टर हिशेम मेशिनी has been appointed as a new Prime Minister of Tunisia after the resignation of former Prime Minister Elias Fakfa। अगर हम ट्यूनीसिया की बात करें तो ट्यूनीसिया की कैपिटल है ट्यूनिस और करेंसी है यहाँ की दिनार। हमारा अगला सवाल है, ब्रिटिश लग्जरी कार मेकर जैगुआर लैंड रोवर हैज अपॉइंटेड हु अमंग द फॉलोइंग एज इट्स न्यू सीईओ। ब्रिटिश लग्जरी कार निर्माता जैगुआर लैंड रोवर ने निम्न में से किसे अपने नए सीईओ के रूप में नियुक्त किया है? इसका सही उत्तर है थेरी बोलोरो। Mr. Thierry Bolloré has been appointed as a CEO of British luxury car maker Jaguar Land Rover। अगर हम Jaguar Land Rover की बात करें तो इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है टाटा मोटर्स और इनका हेडक्वार्टर्स है कोवेंट्री, यूनाइटेड किंगडम्स में। अगर हम कुछ रीसेंट अपॉइंटमेंट्स की बात करें तो मिस्टर अंजनी कुमार हैज बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज एम्बेसडर टू मॉरिटानिया। S N Rajeshwari has been appointed as a chairman and managing director of Oriental Insurance, और Pratham Pratim Sen Gupta has been appointed as MD and CEO of Indian Overseas Bank। हमारा अगला सवाल इवेंट से रिलेटेड होगा। Shanghai Cooperation Organization Health Ministers meeting took place recently. Who among the following ministers led the Indian delegation? इसका सही उत्तर है डॉक्टर हर्षवर्धन। Shanghai Cooperation Organization Health Minister meeting took place recently, which was chaired by Mikhail Murashko, who is the Health Minister of Russia, and Indian delegations were led by Union Health and Family Minister Dr. Harshvardhan ji। अगर हम Shanghai Cooperation Organization की बात करें तो इनका हेडक्वार्टर है बीजिंग, चाइना में, और इनका फॉर्मेशन हुआ था 15 जून 2001 में। हमारा अगला सवाल है, डिफेंस मिनिस्टर्स डायलॉग टू प्लेस बिटवीन इंडिया एंड इंडोनेशिया इन जुलाई 2020। इंडियन डेलीगेशंस वेयर लेड बाय हूम। जुलाई 2020 में भारत और इंडोनेशिया के बीच रक्षा मंत्री का संवाद हुआ है। भारतीय प्रतिमंडल का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? इसका सही उत्तर है डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने। Defense Ministers Dialogue between India and Indonesia took place in New Delhi on 27th of July, and Indian delegations were led by Defense Minister Rajnath Singh, and Indonesian delegations was led by Defense Minister General Prabowo Subianto। हमारा अगला सवाल है, फिफ्थ एनुअल मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ऑफ एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक took place recently. Indian delegations were led by whom? इसका सही उत्तर है Finance Minister Nirmal Sitharaman ji। Fifth annual meeting of the Board of Governors of Asia Infrastructure Investment Bank took place recently, and Indian delegations were led by Finance Minister Nirmal Sitharaman ji through a video conference in New Delhi। अगर हम इस मीटिंग के थीम की बात करें तो इसकी थीम थी AIIB 2030 Supporting Asia's Development Over the Next Decade। अगर हम AIIB की बात करें तो इनका हेडक्वार्टर है बीजिंग, चाइना में, और इनका फॉर्मेशन हुआ था 16 जनवरी 2016 में। हमारा अगला सवाल ऑबिचुअरीज से रिलेटेड है। मिस्टर बेंजामिन मकापा पास्ड अवे रिसेंटली। ही वाज द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? हाल ही में मिस्टर बेंजामिन मकापा का निधन हुआ है। वह निम्नलिखित में से किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे? इसका सही उत्तर है तंजानिया। फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ तंजानिया मिस्टर बेंजामिन मकापा पास अवे रिसेंटली। अगर हम तंजानिया की बात करें तो इनकी कैपिटल है डोडोमो और तंजानिया की करेंसी है शिलिंग। हमारा अगला सवाल है ओलिविया दे हविलैंड पास अवे रिसेंटली, ही वॉज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड? ओलिविया दे हविलैंड जी का हाल ही में निधन हुआ है। वह निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे? इसका सही उत्तर है एक्टर। ओलिविया दे हैविलैंड जो कि 2 बार ऑस्कर की विजेता रही हैं, इनका हाल ही में निधन हुआ है। अगर हम कुछ रिसेंट ऑबिचुअरीज की बात करें तो वेटरन एक्टर कुमकुम जी का हाल ही में निधन हुआ है। बॉलीवुड फिल्म डायरेक्टर परवेज खान जी का निधन हुआ है और वेस्ट बंगाल के कांग्रेस के प्रेसिडेंट सोमेन मित्रा जी का भी हाल ही में निधन हुआ है। हमारा अगला सवाल स्टेट अफेयर्स से रिलेटेड है। DRDO is going to set up 2 temporary hospitals in which of the following state? DRDO निम्नलिखित में से किस राज्य में 2 स्वास्थ्य अस्पतालों की स्थापना करने जा रहा है? इसका सही उत्तर है बिहार में। In Bihar, DRDO will set up 2 temporary hospitals of 500 beds to treat corona patients. DRDO has taken this decision in the view of increasing positive cases in the state. These hospitals will be set up at Patna and Muzaffarpur with the latest medical equipments. अगर हम DRDO की बात करें तो DRDO का हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में और DRDO के हेड हैं जी सतीश रेड्डी जी। हमारा अगला सवाल है गुवाहाटी गॉट इट्स फर्स्ट एवर मैन होल क्लीनिंग रोबो टू एंड मैनुअल स्कैवेजिंग, व्हाट इज इट्स नेम? मैनुअल स्कैवेजिंग को समाप्त करने के लिए गुवाहाटी को अपना पहला मैनहोल क्लीनिंग रोबो मिला है। इसका नाम क्या है? इसका सही उत्तर है बंदीकूट। गुवाहाटी को अपना फर्स्ट एवर मैनहोल क्लीनिंग रोबो मिला है जिसका नाम है बंदीकूट टू एंड मैनुअल स्कैवेजिंग। अगर हम नॉर्थ ईस्ट रीजन की बात करें तो गुवाहाटी ये पहली सिटी है जहां पे एक मैनहोल क्लीनिंग रोबो मिला है और अगर हम ऑल ओवर इंडिया की बात करें तो गुरुग्राम और कोयम्बटूर के बाद गुवाहाटी 3rd सिटी है जिसे मैनहोल क्लीनिंग रोबो मिला है। हमारा अगला सवाल है विच स्टेट गवर्नमेंट विल बी कंडक्टिंग सेरो सर्विलियंस इन इट्स सिटी टू कंट्रोल द स्प्रेड ऑफ कोरोना वायरस? कोरोना वायरस को प्रसार को नियंत्रित करने के लिए कौन सा राज्य सरकार ने अपने शहरों में सेरो सर्विलियंस का आयोजन किया है? इसका सही उत्तर है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट विल बी कंडक्टिंग अ सेरो सर्विलियंस इन 3 मेजर स्टेट भोपाल, इंदौर और उज्जैन टू कंट्रोल द राइजिंग केसेस ऑफ कोविड-19। दिस सर्वे विल बी कंडक्टेड अंडर द सुपरविजन ऑफ AIIMS Bhopal with an aim to monitor antibodies level in a human being at a community level. अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल। चीफ मिनिस्टर यहाँ के शिवराज सिंह चौहान और मध्य प्रदेश की गवर्नर है आनंदीबेन पटेल जी। हमारा अगला सवाल है which becomes the first state in the country to implement the green agriculture project funded by the Global Environment Facility? इसका सही उत्तर है Mizoram. Green agriculture, which is a project funded by Global Environment Facility, was launched in Mizoram. It was launched by the state's agriculture minister C Lal Ransanga और मिजोरम ये पहला स्टेट है जहाँ पे ये प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। बाकी के 4 स्टेट्स की बात करें तो वो है मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान और उत्तराखंड। अगर हम रीसेंट स्टेट अफेयर्स की बात करें तो दिल्ली चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल जी ने एक जॉब पोर्टल स्टार्ट किया है जिसका नाम है रोजगार बाजार। मध्य प्रदेश में एक स्टेट वाइड ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोवाइड की जा रही है डिपार्टमेंट ऑफ पंचायत और रूरल डेवलपमेंट को टू एजुकेट पीपल फॉर अबाउट कोविड-19 एंड प्रिवेंशन। और हैदराबाद पुलिस ने इन कोऑर्डिनेशन विद NGO फीड द नीडी हैज लॉन्च्ड फ्री लास्ट राइड सर्विस टू ट्रांसपोर्ट द बॉडीज ऑफ द कोविड-19 पेशेंट्स फ्रॉम हॉस्पिटल्स टू क्रेमेटोरियस। हमारा अगला सवाल इंटरनेशनल अफेयर्स से रिलेटेड है विच अमोंग द फॉलोइंग कंट्रीज हैज रिसेंटली सेलिब्रेटेड इट्स 55th इंडिपेंडेंस डे? निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में अपना 55वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है? इसका सही उत्तर है मालदीव्स ने। Maldives recently celebrated its 55th Independence Day on 26th of July 2020। अगर हम मालदीव्स की बात करें तो इनकी कैपिटल है माली, करेंसी है यहाँ की रुफिया और मालदीव्स के प्रेसिडेंट है इब्राहिम मोहम्मद सोली जी। हमारा अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज अप्रूव्ड ए लोन ऑफ $3 मिलियन टू इंडिया। इसका सही उत्तर है एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भारत को $3 मिलियन का लोन दिया है टू हेल्प फाइट अगेंस्ट कोविड-19। अगर हम एडीबी की बात करें तो इनका हेडक्वार्टर है मनीला फिलीपींस में। फॉर्मेशन हुआ था इनका 19 दिसंबर 1966 में और एशियन डेवलपमेंट बैंक के प्रेसिडेंट का नाम है मसात्सुगु असाकावा। हमारा अगला सवाल स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। Kazi Onik has been banned for 2 years for failing a dope test. He is associated with which of the following sports? Kazi Onik जी को dope test के में फेल होने के लिए 2 साल का प्रतिबंध लगाया गया है। वह निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़े हैं? इसका सही उत्तर है क्रिकेट से। बांग्लादेश के फास्ट बॉलर Kazi Onik is been banned from international cricket for 2 years for failing a dope test. हमारा अगला सवाल है हु बैग द प्रीमियर लीग गोल्डन बूट अवार्ड अक्रॉस 2019 एंड 20 सीजन। 2019 से 20 के सीजन में प्रीमियर लीग गोल्डन बूट पुरस्कार किसने प्राप्त किया है? इसका सही उत्तर है जेमी वार्डी ने। लेसिस्टर सिटी के स्ट्राइकर जेमी वार्डी हैज बैग द प्रीमियर लीग गोल्डन बूट अवार्ड्स। हमारा अगला सवाल नेशनल अफेयर्स से रिलेटेड है। Which Union Minister launched Indian report on digital education 2020? किस केंद्रीय मंत्री ने डिजिटल शिक्षा 2020 पर भारत की पहली रिपोर्ट शुरू की है? इसका सही उत्तर है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। ए फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इंडियन रिपोर्ट ऑन डिजिटल एजुकेशन इज बीन लॉन्च्ड बाय द यूनियन HRD मिनिस्टर रमेश पोखरियाल जी। This report elaborates on innovative methods which is adopted by states and union territories for ensuring accessible inclusive education to children. हमारा अगला सवाल है Minister of Defence along with which of the following entity is conducting quiz competition on आत्मनिर्भर भारत स्वतंत्र भारत। इसका सही उत्तर है MyGov। An online quiz competition on Atmanirbhar Bharat Swatantra Bharat is being conducted by the Minister of Defence in coordination with MyGov till 10th August in order to create a patriotic feeling among the youth and the masses. Or the first prize will be of the sum of 25,000 rupees. तो दोस्तों ये था आज का इम्पोर्टेंट सेशन। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि अगली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक मिल सके। थैंक यू।